एक बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं अगर उन उनको यूएस के रेगुलेटर ने यूके के रेगुलेटर ने ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यू एच ओ की एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है देन दैट और दोज वैक्सीन आर अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन इंडिया A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID 19 vaccines only under the special circumstances of the day of, of, uh, of the pandemic related uh, urgency that is prevailing in the country. Uh, just to complete that narrative yes, a bridging study will continue even after this is being ruled out rolled out and uh, the data will be seen by, by the regulator as uh, per the, uh, as per the procedures. But the prior need for clinical trial will not be there. This therefore compresses the timelines and this is a very uh, uh, liberal, liberal regulatory step that will increase the access to vaccines that are manufactured outside. Uh, in other countries. For 100 days, for the first 100 individuals who will receive the vaccine, their safety will be watched for a period of seven days. So that's another small condition. But essentially, if these regulators, any of these regulators, have approved the vaccine, this vaccine is now ready to be brought into the country for use and manufacturing and fill and finish. Very significant development, and we hope and we invite the vaccine makers such as Pfizer, Moderna, Johnson and & Johnson and others who are in the other stages uh, eventually who will seek the licensure from any of these agencies to be ready to come to India at the earliest possible. That was my first point. My second point relates to a very disturbing issue with regard to Remdesivir. We last time Remdesivir is antiviral drug. खूब स्टडीज़ हुई और उनके बेस के ऊपर इसको भारत के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में चिन्हित किया गया है क्लियरली स्टेटेड इसका इस्तेमाल बहुत नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उस गाइडलाइन में इसको चिन्हित किया गया है और इसकी सारी साइंटिफिक डिस्कशन आई की नेशनल टास्क फोर्स में हुई उसके बाद जॉइंट मॉनिटर ग्रुप ने इसको अपनाया और बिल्कुल क्लियरली साइंस के बेस के ऊपर और उसके ऊपर नज़र रहती है हमेशा नया डेटा आता है फिर देखा जाता है इसको हमने इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कहा है और उसका रोल और उसकी पोजीशन जो है कि कहाँ इस्तेमाल करना है किस कंडीशन में करना है कितना देना है वो बिल्कुल क्लियरली उसमें स्टेटेड है इन शॉर्ट ये मेडिसिन उन व्यक्तियों में दी जाती है जो हस्पताल में दाखिल होंगे घर में जो आफ्टर हो रहे हैं एसिम्टोमेटिक केसेस हैं माइल्ड केसेस हैं उनमें ये एंटी वायरल एजेंट यूज नहीं करना है देर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूज ऑफ रेमडिस इन होम सेटिंग नो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर दोज इंडिविजुअल हॉस्पिटलाइजेशन एंड आर नॉट ओनली दैट आर ऑन ऑक्सीजन दैट इज ई प्री कंडीशन उस सिचुएशन में इस इस मेडिसिन को दिया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की तरह से इसका मतलब कुछ कंसेंटिंग प्रोसीजर होगा बिकॉज दीज आर The drugs that have come up also for emergency use in the course of the pandemic. So this is a drug to be used only in hospital. This is a drug to be supplied only to the hospital, not on the chemist shop, to be procured by a patient. ये चीजें procure की लाइन लग रही है, ये डिस्टोर्शंस हैं, ये गलत दिशा में जा रही है, उसे पैनिक भी हो रहा है, भ्रम भी हो रहा है। हम इसको बड़े जोर के साथ और विनती करते हुए ये कहेंगे कि रैशनल यूज़ होना चाहिए रेमडेसिविर का हॉस्पिटलाइज इंडिविजुअल में जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे अस्पताल में ही ये सप्लाई होगी इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी की तरह इसको लिया जाएगा और उसी टाइम पीरियड उसी डोज के लिए लिया जाएगा जिसको कि डॉक्टर भार्गव के अंडर जो नेशनल टास्क फोर्स है और जे जो हमारे मिनिस्ट्री में है उन्होंने इसको नेशनल प्रोटोकॉल कोविड 19 का जो है उसमें लिखा है और यह भी मैं बताना चाहूँगा जैसे विदित है आपको कि इसका एक्सपोर्ट रोक दिया गया है इसकी थोड़ा सा शॉर्टेज इन सम एरियाज की खबरें आई थी वो सब उसमें सुधार आ गया है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है ये मेडिसिन प्लेंटीफुल अवेलेबल है ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है ये बात आप प्लीज़ लेकर चलिए और मैं विनती करता हूँ अपनी फिजिशियन कम्यूनिटी को हम सब की तरफ से हम सब की तरफ से कि जो इसका रैशनल जुडिशियस करेक्ट यूज़ है आप प्लीज़ वही करिए पेशेंट को भी मत इंडिकेट करिए कि ये कर लीजिए ये कर लीजिए इस तरह से देश को समाज को और व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोपहर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज करी है और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ इंजेक्शन रेमडेसिविर होना चाहिए और पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए तो डॉक्टर कम्युनिटी सरकार हम आप सबको अपील करती है सबको सब लोगों को और साथ में ही पर्टिकुलरली हमारे फिजिशियन फ्रेटर्निटी को कि इस दवाई का इस्तेमाल जिन कंडीशंस के लिए किया गया है उसी में करिए उसी में अप्रोप्रिएट है उसके बाहर जाना इ है अनथिकल है और ये नहीं होना चाहिए